साल 2024 से लेकर 2030 तक पांच राशियां होगी दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली। पांच राशियों को अगले 6 सालों के दौरान अचानक से मिलेगा धन का लाभ। जी हाँ मित्रों, ग्रह नक्षत्रों की चाल और ज्योतिष की गणना इस बात की तरफ इशारा कर रही है। साल 2024 से लेकर 2034 तक यानी कि अगले 10 सालों में पांच राशियां बनेगी करोड़पति। अचानक से मिलेगा धन का लाभ, माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो पांच सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे अगले 10 सालों में एकदम से परिवर्तित होने वाले हैं, उनका भाग्य उदय होने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती है और सभी राशियां किसी न किसी ग्रह से संबंधित होती है। हर एक राशि के स्वामी ग्रह निश्चित होते हैं। जैसे कि तुला राशि वाले लोगों के स्वामी शुक्रदेव है, तो कुंभ राशि वाले लोगों के स्वामी भगवान शनिदेव माने जाते हैं। और सभी की विशेषताएं भी अलग अलग होती है। ग्रहों के अनुसार ही इन राशियों को अलग अलग फल मिलता है। जिस तरह से अपने हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे में सभी 12 राशियों का भविष्य फल भी एक जैसा नहीं रहता है। वैसे तो धन कमाने की यानी कि पैसा कमाने की लालसा किसे नहीं होती, कौन अमीर बनना नहीं चाहता है, लेकिन सभी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कुछ कुछ व्यक्ति को जीवन में सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और भाग्य का साथ मिलने से अमीर बनने की संभावना जल्द से जल्द बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि देश के 50% अमीर व्यक्ति ऐसे हैं जो कि केवल 5 राशियों के ही है। चाहे आप अंबानी ग्रुप को देख लीजिए, गौतम अडानी जी को देख लीजिए, सावित्री जिंदल, साइरस पूनावाला, दिलीप कुमार सिंघवी, मंगलम ग्रुप, राधा कृष्णन दमामी, लक्ष्मी निवास मित्तल, उदय कोटक, ये जो महत्वपूर्ण भारत के अरबपति है, कभी इनके बारे में सोचा है? देश में जितने भी अरबपति है ना, आधे से ज्यादा व्यक्ति केवल और केवल 5 राशियों के ही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं दुनिया की सबसे अमीर भाग्यशाली राशियों में सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि चैन सिंह, चोथमल, लाला राम, लीलावती, लेखराज, लोकेश, अंकित, अरुणा, अखिलेश, इस तरह से अंग्रेजी के ए एल और सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, सभी 12 राशियों में से मेष राशि पहले नंबर पर आती है। मेष राशि के स्वामी भगवान मंगल देव है और मंगल को साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है। इसके अलावा मेष राशि वाले लोगों पर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष रूप से कृपा भी होती है, इसीलिए मेष राशि वाले लोगों को जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मेष राशि वाले अपने गजब के नेतृत्व के कारण हमेशा सबके प्रिय बने रहते हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति अपनी मेहनत पर भी बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। ज्यादातर मेष राशि वाले व्यक्ति जन्म से ही काफी ज्यादा अमीर होते हैं। मेष राशि वाले लोग धन के मामले में भी बहुत ही अच्छे और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई भी संपत्ति की कमी नहीं होती। इसके अलावा इन लोगों को पूर्वजों से भी काफी धन और संपत्ति प्राप्त होती है। मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत ही लग्जरी जीवन जीते हैं। अगर मेष राशि वाले व्यक्ति अपने स्वामी ग्रह को प्रसन्न कर ले, यानी कि मंगल देव को अगर प्रसन्न करें और मंगल अगर मजबूत बना ले, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो कि इनको पीछे ढकेल दे। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करें और साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक भी जलाएं। इस उपाय को करने से आपके स्वामी ग्रह भगवान मंगल देव मजबूत होंगे और हनुमान जी की कृपा से धन संबंधित, आर्थिक रूप से कर्ज संबंधित अगर कोई भी बाधा है, कोई भी परेशानी है, तो वो जल्द से जल्द दूर होगी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी अवश्य लिखिएगा। और साथ ही साल 2024 से लेकर 2030 तक अगले 6 सालों के अंदर ही मेष राशि वाले लोग जल्द से जल्द करोड़पति बन पाएंगे, धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होगी, आप तरक्की के रास्ते पर खूब आगे तक जाएंगे। आप लोगों में सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि आप मालिक की तरह काम करते हैं। मेष राशि वाले लोगों की नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और साथ ही आप लोग ज्यादा दिन तक दूसरों के यहाँ पर नौकरी करने में विश्वास नहीं रखते। आप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा स्वयं का व्यापार हो और मैं मालिक बनकर काम करूं। और आपकी इसी खूबी के कारण आप हर जगह पर सफलता प्राप्त करते हैं और धन के मामलों में बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। इस बार ग्रहों की चाल और ज्योतिष की जो नक्षत्र की गणना इस तरह से आकलन कर रही है कि अगले 6 सालों के अंदर मेष राशि वाले लोगों को अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है।
चलिए जान लेते हैं दुनिया की दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशि बनती है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। आप सोचते हैं कि गुरुजी राशि आप हमेशा अच्छे बताते हैं, लेकिन वर्तमान में मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। मित्रों, सभी 9 ग्रहों में से कौन से ग्रह आपके लिए कमजोर है, कौन से ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है, जो कमजोर है उनको मजबूत करने का उपाय क्या है, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, जैसे कि मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु चांडाल दोष, अगर कोई दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, कुंडली के अनुसार आपको कितने राजयोग मिल रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा समय कब शुरू होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, जितनी ज्यादा आप मेहनत करते हैं उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिलता, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात करें दुनिया की दूसरी जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, मकर राशि के जो स्वामी ग्रह है वो भगवान शनिदेव है, ऐसे में शनिदेव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। अभी मकर राशि में शनिदेव की साढ़े साथी भी चल रही है, जो कि मार्च 2025 में खत्म हो जाएगी। जैसे ही शनि की साढ़े साथी खत्म होगी उसके तुरंत बाद मेष राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से पलट उठेगी। नौकरी हो या बिजनेस हो, हर जगह पर आपको तरक्की ही तरक्की का सिलसिला चलता रहेगा। इतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे कि आप उसे कंट्रोल तक नहीं कर पाएंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा से मेष राशि वाले लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार, मेहनती, कर्मठ और लोकप्रिय बनेंगे। इसके अलावा आप में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। आप जिस काम को हाथ में लेते हैं ना, उसे पूरा करके ही मानते हैं। इस राशि वाले लोगों को खास तौर पर शनिवार के दिन शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और शनिदेव को ही न्याय के देवता माना जाता है। अगर शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है। ऐसे में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे भगवान शनिदेव की स्थिति मजबूत होगी और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। साथ ही ग्रहों का जो महासंयोग इस तरह से इशारा कर रहा है कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर मकर राशि वाले व्यक्ति अपार धनवान यानी कि करोड़पति बनने का योग बन रहा है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं दुनिया की जो तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर और अमीर अगर राशि की बात करें तो वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। 12 राशियों में से कुंभ राशि को भी सबसे ताकतवर राशियों में से एक माना जाता है। इस राशि के स्वामी भी भगवान शनिदेव है। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोग साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले लोग करोड़पति बनने वाले हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। कुंभ राशि वाले कोई भी व्यक्ति असफलता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि कई बार ये जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले लेते हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले लोगों में नेतृत्व की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है।
और हर तरह के हालातों को समझते हुए जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे तक बढ़ जाते हैं। इन लोगों के पास हमेशा बड़ा करने की सोच होती है और ऐसा करने के कारण ही इनकी कुंडली में कई बड़े राजयोग भी होते हैं। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी भगवान शनिदेव ही है। ऐसे में शनिदेव की कृपा अगर आपको मिले तो आप बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत करने के लिए कुंभ राशि वाले व्यक्ति हर रोज भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पण करें और हो सके तो सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ भी करें। चलिए जान लेते हैं अगले 10 वर्षों के दौरान अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ए वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में आप लोगों को शुक्रदेव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। शुक्रदेव की कृपा से ही वृषभ राशि वाले व्यक्ति जीवन में धन वैभव और सौंदर्य की प्राप्ति करते हैं। उसके अलावा आप लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हसमुख और आकर्षक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। इतना ही नहीं 40 वर्ष की उम्र के बाद वृषभ राशि वाले लोगों को शुक्रदेव की कृपा से अचानक से खूब सारा पैसा और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मान सम्मान और ऊंचा पद मिलता है। बिजनेस में भी आप खूब नाम कमाते हैं। आप लोगों की जिंदगी ऐशो आराम के साथ निकल जाती है और आप धन कमाने के कोई ना कोई रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। वृषभ राशि वाले लोग आसानी से हार नहीं मानते और जो सोचते हैं ना अपनी मेहनत के दम पर उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। साल 2024 से लेकर 2030 तक वृषभ राशि वाले लोगों की किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ग्रहों की चाल और मजबूत दशा इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि आप लोगों को अपार रूप से धन का लाभ मिलने वाला है। अगले 10 वर्षों में आप करोड़पति बनने वाले हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है। ऐसे में शुक्रदेव कमजोर अगर है तो आपको शुक्रवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र दान करें। इसके अलावा चींटियों को आटा खिलाएं। उसके अलावा जो 9 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं ना, साल में एक बार शुक्रवार के दिन उनको मीठी चीज का वितरण करें। इससे कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होगी और अगले 10 सालों में अपार धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ दुनिया की भाग्यशाली राशियों के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।